बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको ब्रदर फूड प्रयोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा का प्रकीर्णन ना प्रयोग था, इसको समझाया था। इस प्रयोग में क्या था, इसने एक लेड बॉक्स लिया था और उसमें से अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट कराया था और उसके बेस पर यह बताया था कि कोई भी परमाणु गोलाकार होता है, उसके केंद्र पर नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस कंडीशन में चक्कर लगाते हैं, क्योंकि अगर ये चक्कर लगा रहे हैं तो लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को खो देगा और नाभिक के अंदर गिर जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाया। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो कुछ लाइन स्पेक्ट्रम की उत्पन्न करता है जिसको लाइन या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसकी जगह बोर आता है और बोर आकर यहाँ पर अपने परमाणु मॉडल को यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मॉडल के लिए या रदरफोर्ड मॉडल में जितनी भी कमियाँ थीं उन कमियों को दूर किया और उसने यहाँ पर कुछ परिकल्पनाएं की जिनको हम क्या बोलते हैं, अभिग्रहित बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, नंबर वन, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष में घूमने की केवल कुछ विशेष ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष में घूमने की केवल कुछ विशेष ऑर्बिट में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें स्थायी कक्ष कहते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष में नहीं घूमते, ये यहाँ पर वर्ड आना चाहिए, किसी भी कक्ष में नहीं घूमते, ये इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशेष ऑर्बिट में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें नाभिक की स्थायी कक्षाएं या इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाएं बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमते, केवल कुछ विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, इन कक्षाओं को स्थायी कक्ष कहते हैं। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π। देखिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म। अब अगर आपको परमाणु की कल्पना करनी है, परमाणु को समझना है, उसके स्ट्रक्चर को देखना है, तो ये टर्म्स को आपको लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे न्यूटन ने 3 रूल दिए, वैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के संबंध में जो परमाणु का नाभिक है उसके लिए यहाँ पर बोर ने ये वाले रूल को बता दिया और आपको इसको लेकर चलना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है यानी आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा नंबर आएगा n, ऐसा नहीं आएगा √5, √7। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, पूर्ण गुणज संख्या बोल देते हैं। यहाँ पर h क्या कहलाता है, प्लैंक नियतांक कहलाता है, जिसकी वैल्यू आती है 6.6×10⁻³⁴ जूल सेकेंड होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि m है, त्रिज्या r है और यह r त्रिज्या में v वेग से घूमता है तो कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग आप लोग जानते हैं,
कक्षाओं में घूमते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग का मान एम वी आर एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणक होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर नंबर वन करें तो पहले इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष का पूर्ण गुणक होगा एच अपॉन टू पाई, एन इक्वल टू टू रखे तो दूसरे कक्ष का यहाँ पर कोणीय संवेग होगा 2h अपॉन 2 पाई, तीसरे कक्ष का कोणीय संवेग होगा 3h अपॉन 2 पाई, अर्थात यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे आते हैं और इसको जो नंबर आते हैं हम क्या बोल देते हैं, मुक्त क्वांटम संख्या कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। ये अब आपको इम्पोर्टेंट है, हमें ये आपको मानना ही पड़ेगा, क्यों किंतु परंतु ऐसा कोई हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास फेल हो जाते हैं। नंबर थर्ड, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो देखिए, जैसे जैसे हम नाभिक से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए हायर कक्षा अगर परमाणु नाभिक की हम कल्पना करें ऐसे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, यहाँ की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है और यह एनर्जी विद्युत चुंबकीय विकिरण के फॉर्म में होती है, इन्हें रेडिएशन निकलता है, विकिरण निकलता है। इसका उल्टा क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अंदर वाले कक्ष की ऊर्जा कम होती है इसलिए अगर उसको ऊपर जाना है तो उन दोनों ऑर्बिटल के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एब्जॉर्ब करता है और ऊपर चला जाता है। जबकि जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर में जाता है तो ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में अवशोषित करता है। अर्थात अगर n हायर एनर्जी लेवल की ऊर्जा है, ep लोअर एनर्जी की ऊर्जा है, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में विकिरण उत्पन्न करेगा। क्योंकि रेडिएशन आवृत्ति के फॉर्म में होता है इसलिए एच न्यू या फोटॉन की ऊर्जा के फॉर्म में होता है इसलिए एच न्यू ऊर्जा निकलती है। जबकि नीचे से ऊपर जाएगा तो इतनी ऊर्जा को वो क्या करेगा, अवशोषित करने लगता है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिकी नाभिक और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होती है। अर्थात एम वी स्क्वायर अपॉन आर 1/4πε0 जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर के मान के बराबर होती है। ठीक है, ये आपके पास कैसे आता है ये देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर, इसका परमाणु क्रमांक जेड ई है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो अंदर साइड क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग 1/4πε0 क्यू वन कितने के इक्वल हो जाएगा, जेड ई ई क्यू टू ई दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर के मान के बराबर आ जाती है। इसलिए मेरे पास यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा।